नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं प्रयागराज.com यानी कि प्रयागराज रिजल्ट्स यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड UKMSSB नर्स भर्ती 2021 नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी निकली हुई है। अगर मैं यहाँ पर वेतन की बात करता हूँ तो 1,42,000 के मैक्सिमम आपकी सैलरी होगी। सिलेबस कैसे मिलेगा? ऑल इंडिया जॉब है और ये फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 5 मई 2021 है। तो अब आइए देख लेते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना है, इसका इम्पोर्टेंट डेट्स, वेबसाइट लिंक वगैरह। तो ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है। गूगल पे जाने के बाद उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड टाइप करके इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद ये जो सबसे ऊपर वाला लिंक है इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद सबसे ही नीचे देख लीजिए, आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा 5/4/2021 से। दोनों पे आप क्लिक करके वन बाय वन आप रीड कर सकते हैं कि क्या इसके इंफॉर्मेशन है। तो पहला देखिए, यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये बता रहे हैं कि दिनांक 5 अप्रैल 2021 माध्यम उत्तराखंड राज्य राजकीय नर्सिंग कॉलेज से अंतर्गत ट्यूटर की रिक्त 40 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। तो यहाँ पर ट्यूटर नर्सिंग का देख सकते हैं, 44,900 रुपीज आपकी मिनिमम और 1,42,000 मैक्सिमम आपकी सैलरी होगी। अनुसूचित जाति के लिए 10 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 और आर्थिक कमजोर 5 और सामान्य के लिए 17। कुल टोटल पोस्ट की बात करता हूँ तो 40। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जनरल ओबीसी SC ST सभी कैटेगरी में आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। 6 अप्रैल 2021 से आप इसका जो है आवेदन कर सकते हैं। 5 मई 2021 रात्रि के 11:59 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसका ये नोटिफिकेशन है शॉर्ट में। अब इसका लॉन्ग आप देख लेते हैं, यहीं पर आप वेबसाइट पर जाके लॉन्ग वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा फॉर्म दिया हुआ है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा आपको 5 अप्रैल 2021 से प्रकाशित हुआ है। अब और इस फॉर्म को भर सकते हैं 6 अप्रैल 2021 से। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मई है रात को 11:59 तक। उसके बाद आप देखिए जो इसका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसे जमा कर सकते हैं 5 मई 2021 तक ही। रिक्त पदों का विवरण आप यहां पर देख सकते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए जितने भी कैटेगरी वाइज, तो जनरल ओबीसी SC ST टोटल पोस्ट 40 है और सभी कैटेगरी के लिए है। और यहां पर भी देख सकते हैं शैक्षिक मतलब जो आरक्षण मिलेगा उसके अंतर्गत जो भी चीजें हैं आप यहां पर देख सकते हैं। वेतन की मैं बात करूँ 44,900 मिनिमम और 1,42,000 अधिक से अधिक आपकी सैलरी मिलेगी। लेवल 7 की वेतन है। पद का स्वरूप अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, शैक्षिक योग्यता अगर आपको देखना है तो अभ्यर्थी MSc नर्सिंग आप किए होने चाहिए या फिर BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के साथ 1 वर्ष का अनुभव आपके साथ होना चाहिए। उसके बाद अधिमानी अर्हताएं आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आयु की अगर गणना की बात करूँ तो 1 जनवरी 2021 से आपकी आयु की गणना होगी। 1 जनवरी 2021 से न्यूनतम 22 और मैक्सिमम 42 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। तो मिनिमम जिनकी उम्र 22 साल है वो भर सकते हैं और 42 साल जिसकी है उसके अंतर्गत आप फॉर्म को भर सकते हैं। आरक्षण वगैरह आप देख लें। उसके बाद इसके अलावा ये पूरी नोटिफिकेशन है, पूरा लॉन्ग में है, आप इसको पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीयता, यहाँ पर अगर आप राष्ट्रीयता देखें तो भारत का नागरिक हो या फिर तिब्बत शरणार्थी, साथ में ये पूरी इंफॉर्मेशन 62 में पूर्व भारत में आ गए हों तो उनके लिए यह है। चरित्र प्रमाण पत्र, उसके बाद वैवाहिक स्थिति, शारीरिक मापदंड क्या है और चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया ये देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 200 अंकों की प्रति प्रकार में होने वाली है। इसमें 1 अंक गलत होने पर 1:4 1:4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, मतलब कि माइनस मार्किंग है। अगर आपका 1 गलत हुआ आंसर तो उसके बिहाफ पे आपको 1:4% के अकॉर्डिंग आपके नंबर कट जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न मत समय 1 घंटा 30 मिनट का होने वाला है प्रत्येक प्रश्न, ठीक है। उसके बाद देखिए यहीं पर आपको सिलेबस वगैरह भी मिल जाएगा क्या आने वाला है। प्रथम अंक में देखिए 100 अंकों के अंतर्गत जो पूछा जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र 95 अंकों का होने वाला है तो वो आप पढ़ लीजिए। तीसरा ट्यूटर में आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्यूटर के हिसाब से। उसके बाद लिखित परीक्षा जो होने वाली है उसके भी दिशा निर्देश आप यहाँ से रीड कर सकते हैं।
कोई दिक्कत होती है इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सबका वेबसाइट दिया हुआ है, आप वहाँ पर लिंक पे क्लिक करके आप जा सकते हैं और मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिशा निर्देश, तो यहाँ पर देखिए ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हालांकि मैं ऑलरेडी आपको भी बता दूंगा, यह इस वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करेंगे, क्लिक हियर कंटिन्यू, ये सारी चीज़ें हैं आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, हालांकि मैं आपको बता दूंगा। तो ये इसकी वेबसाइट है, ये यहीं से आपको फॉर्म को भर लेना है। अब यहाँ पर परीक्षा शुल्क की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए, परीक्षा शुल्क में सामान्य श्रेणी वाले को 300 रुपये, आर्थिक रूप से कमजोर वाले को 150 रुपये, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग 300 रुपये, उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 150 रुपये, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये, उत्तराखंड दिव्यांग के लिए 150 रुपये दिया हुआ। तो ये सारी चीजें हैं, वन बाय वन आप इसको स्टडी कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करें। अब आइए देख लेते हैं इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो इस फॉर्म को भरने के लिए देखिए क्या करना है, यहाँ पर सबसे ऊपर अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है इसी वेबसाइट के ऊपर, अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे देन आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू नर्सिंग का आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ से अप्लाई का ऑप्शन आ गया है, अगर आप देखेंगे ट्विटर नर्सिंग का तो आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये लिंक भी मैं, फॉर्म भरने का लिंक भी मैं वीडियो के नीचे, सारे लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, लॉगिन कैसे करना है, ये सब कुछ दे दूंगा, आप क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच सकते हैं अगर वेबसाइट से कोई दिक्कत होती है। तो नया कनेक्शन अगर आपको करना है, इट मीन्स कि नया फॉर्म आपको भरना है, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हियर। अगर आपने पहले से कर रखा है तो आपको एप्लीकेशन पासवर्ड और कैप्चर कोड आपको यहाँ से भर के ले लेना। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पर 2 सेकंड के लिए लगेगा आपको यहाँ दिखाना। तो यहाँ पर आप आएंगे तो मिस्टर मिसेस जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद को आपको अपना नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा, आपकी मेल आईडी, जो प्रोफेशनल मेल आईडी आप यूज करते हैं उसको डाल दीजिए, और अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डाल दे कॉन्टेक्ट करने के लिए। देन यहाँ पर देखेंगे तो जनरेट ओटीपी होगा, ओटीपी जैसे ही आपके मेल आईडी पे या फिर मोबाइल पर जाएगा तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप ऑप्शन में ही उस ओटीपी को डाल देंगे, देन क्या होगा आपको चीजें मिल जाएंगी। तो क्या करना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई के ऊपर दोबारा ऑप्शन पे जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर, ईमेल आईडी पर आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड मिल जाएगा, और यहाँ पर कैप्चर कोड को डाल के आप फॉर्म को भर लेंगे। इनकेस फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बोलेंगे तो मैं आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा के दे दूंगा, कोई दिक्कत होगी तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपका फॉर्म भर दूंगा। तो जल्दी से कर लें, ये फॉर्म को कैसे भरना है ऑलरेडी ऑलमोस्ट चीजें मैंने आपको बता दी है। तो कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।